हेलो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में सेक्शन देखे थे दो सेक्शन देखे थे सेक्शन नंबर थर्टी फाइव सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स अच्छा जी आज ये इधर हम लोग रूल्स देखेंगे द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था आपको कि जब भी हम एक्ट को करते हैं वॉट टू डू तो हमें साथ साथ ये सीखने की जरूरत पड़ती है हाउ टू डू कैसे करें एंड फॉर दैट पर्पज इज आर रूल्स देर आर रूल्स नाउ वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग आर लॉ यानी एक्ट रूल्स में स्टोरी के अलावा कुछ नहीं होता कैसे करना है गाइडलाइंस आर गिवन अगर मैं बात करूं जो लास्ट क्लास में मैंने सेक्शन थर्टी फाइव बताया था उसको एक बार देख लें तो मैंने एक चीज आपको क्लियरली बोली थी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन आर नीडेड टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ओके एट देयर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ओके एज मैंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वन कौन कौन से डिटेल्स या मैनुफेक्चर से रिलेटेड बुक्स मेंटेन करनी है इनवॉर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के बारे में आपको डिटेल्स मेंटेन करनी है स्टॉक ऑफ गुड्स के बारे में आपको डिटेल्स मेंटेन करनी है इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेड के बारे में आपको डिटेल्स मेंटेन करनी है और जब मैंने लास्ट पॉइंट बताया था तो वो ध्यान से देखे मैंने क्या बोला था सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और जब मैंने ये वर्ड यूज किया था सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब तो मैंने कहा था गो टू रूल्स गो टू हेल नहीं गो टू रूल्स और गो टू रूल्स में आ, जब हम रूल नंबर वन देखते हैं सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड जब ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब रूल्स में कुछ और भी बोला है प्रिपेयर करने के लिए रूल्स में कुछ और भी बोला है प्रिपेयर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स हमें ये account, ये बुक्स ऑफ़ अकाउंट चीज़ें डिटेल्स तो मेंटेन करनी ही करनी है इसके अलावा हमें मेंटेन करना है क्या रूल वन में दिया इन एडिशन टू दैट क्या दिया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कीप एंड मेंटेन रूल नंबर वन में इन एडिशन किसके अलावा अरे उसके अलावा जो थर्टी फाइव में दिया है उसके अलावा उसके अलावा फिर से बोल दिया उसके अलावा हमको ये चीज मेंटेन करनी है क्या मेंटेन करनी है भाई ऐसा कौन सा चीज रह गया उसमें मैंने आपको बताया था कौन से डिटेल्स मेंटेन करनी है? हिंट दिया था टैक्स इन

जो सर्विसेज इंपोर्ट हुई हैं जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई हैं जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं जो गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं उनकी डिटेल्स सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यहां क्या मतलब आते हैं ना सर्विसेज और गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और दप और ऑफ सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अगर आप कोई चीज़ ऐसी सप्लाई ऑफ सर्विसेज़ हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स हैं जिस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स लगता है तो उनकी भी डिटेल्स आपको रेलिवेंट डिटेल्स या इनवायसेस मेंटेन करने पड़ेंगे बिल्स ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट्स रिसीट वाउचर पेमेंट वाउचर रिफंड वाउचर अरे बाप रे बा ये सब हम लोगों ने एक टैक्स इन्वायस जब पढ़ रहा था ना हम लोग तो उस समय हम लोगों ने टैक्स इन्वायस के साथ साथ देखा था टैक्स इन्वाइस क्या होता है बिल्स ऑफ सप्लाई क्या होता है डिलीवरी चालान क्या होता है और डेबिट नोट्स क्या होते हैं क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं एडवांस पेमेंट एडवांस वाउचर क्या होते हैं पेमेंट वाउचर्स क्या, क्या होते हैं रिफंड वाउचर्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने टैक्स इनवाइस चैप्टर में देखी थी आज उसका यहाँ पर यूज़ आया हम लोग तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं लेकिन सेक्शन थर्टी वन सेक्शन थर्टी टू सेक्शन थर्टी थ्री सेक्शन थर्टी फोर का आज यूज़ आया थर्टी फाइव में जी रूल वन जो सेक्शन थर्टी फाइव वन के अकॉर्डिंग है उसके आगे देखते हैं अब अगर मैं ये बोलूं कि आई एम अ बिजनेस मैन नाउ माइट बी आई एम गिविंग सर्विसेज टू समवन माइट बी आई एम इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड माइट बी आई एम इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर माइट बी मेरे कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं हो सकता है मेरा uh, ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस हो हो सकता है मैं सर्विसेज देने का भी काम करता हूं तो इन केसेस में मुझे हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे ज्वाइंट नहीं करने की जरूरत है जी सर द अकाउंट्स और रिकॉर्ड स्पेसिफाइड एज अबाउट शेल बी मेंटेन सेपरेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेपरेटली अगर आपका एक से अधिक बिजनेस है एक से अधिक एक्टिविटी है देन फॉर द फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस एंड फॉर ईच एंड एवरी सेपरेट टाइप ऑफ एक्टिविटी यू हैव टू मेंटेन योर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं तो ये समझ में आया जब सेक्शन 35 पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग को ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे कौन से सामान खरीदने सामान बेचने से रिलेटेड कौन से इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स से रिलेटेड कौन से टैक्स क्रेडिट और टैक्स पेमेंट रिफंड क्लेम इनसे रिलेटेड हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे इसके अलावा जो रूल्स में दिए गए हैं अब रूल्स में क्या दिया गया है रूल्स में बोला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डिलीवरी चालान टैक्स इनवाइस रिफंड पेमेंट वाउचर ये सारी चीजें डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल्स भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अच्छा जी पॉइंट नंबर थ्री एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन टेन सेक्शन टेन कंपोजिशन याद आया होगा सेक्शन टेन का मतलब कंपोजिशन होता है जी सर तो कहा गया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन टेन शेल मेंटेन अकाउंट्स ऑफ स्टॉक इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कॉमोडिटी रिसीव्ड सप्लाइड हिम एंड सच अकाउंट शेल कंटेन पर्टिकुलर ऑफ द ओपनिंग स्टॉक रिसीट ट्रांसफर टू अदर ब्रांचेस डिविजन यूनिट्स अंडरटेकिंग सेल्स स्टोलिन डिस्ट्रॉयड वेस्टेज क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से आपको सारी डिटेल्स मेंटेन करनी ही पड़ेंगी जी सर अच्छा कितना सैंपल में दिया है कितना गिफ्ट में दिया है वी आर नीडेड टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स ठीक है सर समझ गए अच्छा जो सेक्शन टेन में आते हैं कंपोजिशन स्कीम में क्या उनके लिए भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ेगी एक बात बताएं सेक्शन टेन का मतलब ऐसा ऐसे जो कंपोजिशन स्कीम में आता है जो फिफ्टी लैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है नाउ ही इज नीडेड टू पे अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स एंड

शेल कीप एंड मेंटेन एन अकाउंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल टैक्स कलेक्टेड एंड पेड इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अच्छा ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया यानी अगर सेक्शन टेन को छोड़ दिया जाए तो एस एस सी को सारी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी और अगर एस एस सी सेक्शन टेन में आता है मैंने फिर बोला एस अगर सेक्शन टेन में आता है तो क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी जी बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ेगी नॉर्मल जो मैंने सेक्शन थर्टी फाइव वन में बताया और रूल वन में बताया इंस्टिड ऑफ दैट वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी लेकिन ऐसे एस को ऐसी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी जरा देखें पॉइंट नंबर थ्री एंड फाइव दोनों को मिला करके पढ़ें ऐसी कोई डिटेल्स मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी जिसमें इनपुट स्टॉक आउटपुट स्टॉक क्लोजिंग मीन्स ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफ़र किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने पर अवेल किया गया कहाँ कहाँ ट्रांसफर स्टोलिन वगैरह कोई डिटेल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर वो एसएससी मेंटेन करता है देन दैट इज ओके एस एस सी अगर मेंटेन करना है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर वो जिस दिन पचास लाख की लिमिट क्रॉस करेगा उस दिन तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कैटेगरी में चला जाएगा और अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की लिमिट में जाता है तो उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि जितना स्टॉक उसके पास मेंटेन है उस पर उसको कितनी आई टी सी लेनी है इज इट क्लियर पक्की बात है नहीं समझ में आया मैं फिर से बोलता हूँ अगर एस एस सी सेक्शन टेन की कैटेगरी में आता है तब तो ठीक उसको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन ही करनी पड़ेगी ऐसे कोई भी हो अगर वो रजिस्टर्ड है तो सेक्शन थर्टी फन फाइव वन में तो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और सेक्शन थर्टी फाइव वन के लास्ट में मैंने बत, बताया अदर डिटेल्स एज गिवन इन रूल्स और रूल्स ने बताया कि उसको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के अलावा डिलीवरी चालान फलाना वलाना वो सब मेंटेन करना पड़ेगा हाँ उसको क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं नहीं है आवश्यकता नहीं अदर देन सेक्शन टेन चाहे आप पॉइंट नंबर थ्री पढ़े रूल का चाहे पॉइंट नंबर फाइव पड़े पढ़े रूल का दोनों में यही का है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन टेन अदर देन सेक्शन टेन शेल मेंटेन अकाउंट्स ऑफ स्टॉक शेल कीप एंड मेंटेन्स ऑन एन अकाउंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल दैट्स इट ये दो चीजें तो याद रखेंगे जो नॉर्मल एस एस होते हैं ना उनको हर एक चीज डिटेल में मेंटेन करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि उनको रिटर्न भरने हैं रिटर्न जी एस टी आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ये सब हम लोगों ने देखना है जाहिर सी बात है वो रिटर्न मेंटेन करने के लिए हमको ये सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि हम नॉर्मल एस हैं अगर सेक्शन टेन के एस हैं तब तो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट से हम बच सकते हैं लेकिन मेंटेन करें तो ज्यादा बेटर है आगे देखिए Every registered person shall keep हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को चाहे वो किसी भी तरह का रजिस्टर्ड पर्सन हो वो मेंटेन करेगा नाम और पता जिनसे, जिनसे उसने सामान खरीदे हैं वो मेंटेन करेगा उन सारे लोगों के नाम और पते जिनको जिनको उसने सामान सप्लाई किया है वो सारी की सारी ऐसी डिटेल्स और एस प्रीमाइसिस की डिटेल्स एड्रेस वगैरह नोट करके रखेगा जहां पर वो सामान को रखता है स्टोर करता है जी सर तो तीन चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम होम ही रिसीव्ड द गुड्स सेकेंड नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम हैज सप्लाइड द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसिस वे द गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम तो कुल मिलाकर अब तक यही समझ में आया जो बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कही गई है सेक्शन 35 ने बोला था कि उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड डिटेल्स मेंटेन करनी है सेक्शन थर्टी फाइव ने ही बताया था उसको सामान जो इनपुट आ रहा है उससे डिटेल्स मेंटेन करनी जो आउटपुट जा रहा है उसकी डिटेल्स मेंटेन करनी है टैक्स पेड से रिलेटेड डिटेल्स मेंटेन करनी है तो यहाँ पर तो उस चीज़ की डिवेलिटी है कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा भी उसको ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट या डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी जैसा कि रूल्स में दिया हुआ है रूल्स में जब आए तो उसने कहा सेक्शन थर्टी फाइव वन में जो दिया है उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी इसके अलावा उसको डिलीवरी चालान इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सबकी डिटेल्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी इसके अलावा भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक से रिलेटेड सारा का सारा डिटेल्स ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक कहाँ से आया कहाँ से परचेज किया गया कितना परचेस किया गया किस वैल्यू पर परचेस किया गया कहाँ गया स्टॉक कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया गया है कौन सी ब्रांच यूनिट डिवीजन, और कितना सेल किया गया कितना स्टोलन है कितना थेफ्ट है कितना वेस्टेज है कितना फ्री गिफ्ट है कितना सैंपल है ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी उसको यह भी मेंटेन करना पड़ेगा इनपुट टैक्स से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी और तो और उनको मेंटेन करना पड़ेगा नाम और पते किन किन से सामान आया नाम और पते किन किन के पास सामान गया और नाम और कंप्लीट एड्रेस जहां जहां मैं स्टॉक को स्टोर करके रखता हूं अच्छा अगर ऑफिसर को इंस्पेक्शन के दौरान किसी ऐसी जगह से सामान मिला और ऐसी जगह जो कि हमारे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में मैंशंड नहीं है और उस प्लेस के अलावा किसी और जगह यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो प्लेसेस मेंशन है उनके अलावा कहीं और दूसरी जगह से स्टॉक बरामद हुआ इफ एनी स्टॉक हैज बिन फाइंड आउट एट एनी प्लेस अदर देन प्लेस विच इज मैंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देन इन दैट केस It will be assumed that the assessee has made supplied all those goods and has not been recorded in the books of account. By assuming that all the taxes, interest, and penalties will be charged. Is it clear? So, if you have to keep stock, hai, for God's sake.

तो आप रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पर या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे मेंटेन करेंगे अगर आपके चार प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपका एक ऑफ ऑफ बिजनेस बिजनेस और डिफरेंट प्लेस आपने मेंशन कर रखे हैं अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में तो हर एक ऐसे प्लेस पर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बता दिया था हां जी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी शामिल है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना एनी एंट्री इन रजिस्टर अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई चीज डिलीट करते हैं छोड़ो हम बात करते हैं मैनुअल मान लो ये मैंने लिखा अचानक मुझे लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया अच्छा मैंने जबरदस्ती कुछ ज्यादा लिख दिया अच्छा तो मैं इसको मिटा नहीं सकता इरेज नहीं कर सकता सकताइड नहीं कर सकता यानी मैं इसको इरेज नहीं कर सकता किसी भी तरह से जी ओवर राइटिंग नहीं कर सकता